अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे और सुबह सुबह का टाइम है, मींस कि सुबह सुबह मॉर्निंग बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग नहीं है, जैसे कि 10 से 11 बजते हैं वो वाला बीच का टाइम है। तो हमने सोचा कि चलिए आज बना रहे हैं बिरयानी, तो आपके साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा खिली खिली धूप है। यहाँ यूपी में ना काफ़ी अच्छी, मतलब ऐसी नॉर्मल वाली कोसी कोसी सी सर्दी होने लगी है, तो उसकी धूप का मज़ा ही अलग होता है। तो चलिए, किचन में आ चुके थे और यहाँ पर हमने तेल गरम कर दिया था। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं बिरयानी की, लेकिन मैंने सोचा चलिए इसको भी दिखा डालते हैं कि हम मैं नॉर्मली कैसे बनाती हूँ। तो जल इसको तेल गरम किया और उसमें जस्ट 3 प्याज काट के बारीक बारीक चॉप करके डाल दी और थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया था ताकि ना अच्छे से फ्राई हो जाए प्याज। बस इसको फ्राई कर लेंगे। और इतनी सारी बातें भी चल रही थी और अच्छा भी लग रहा था। और छोटी सी एक बात है कि अगर आप काम करते टाइम या तो किसी के पास खड़े हों तो बातों में टाइम निकल जाता है, आप म्यूज़िक सुनते हैं और मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप दरूद शरीफ पढ़ लें या फिर इस्तग़फ़ार पढ़ लें। तो आप यकीन माने, एक तो खाने की लज्जत ना इतनी बढ़ जाती है। मेरा एक पर्सनल, मतलब एक कहते हैं ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप बिल्कुल भी परवाह ना करें कि आपका नमक कैसा डाला कैसा नहीं डाला। आप पता नहीं क्या होता है अल्लाह की तरफ से कि आप इस्तग़फ़ार की एक विर्द कर लें या फिर दरूद शरीफ, दोनों में से कोई एक चीज़ खाना बनाते टाइम आप इसमें पढ़ते रहें तो आप ये देखिएगा, डेफिनेटली आपका खाना इतना लाजवाब बनकर तैयार होता है ना कि यकीन माने कोई भी नहीं होता बंदा ऐसा कि आपकी बुराई कर सके कि इसमें ये कमी है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, बिना बिस्मिल्लाह के और बातें करते रहें, फालतू की हम काम करते रहें, उसमें म्यूज़िक सुन लें, तो हमेशा खाने में कोई ना कोई कमी आती है। और नहीं भी आती है तो वो हो सकता है कि किसी की दुआएं आपके लिए काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं अगर बिस्मिल्लाह करके या फिर दरूद शरीफ का विर्द करूँ या फिर मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती रहती हूँ तो खाना बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होता है। तो आप भी इस चीज़ को आजमाइएगा, इंशाल्लाह बहुत बहुत फ़ायदा होगा। एक तो आखिरत हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी इंसान की होती है, लेकिन अल्लाह ने हमेशा यही बताया है कि हमारा जो आखिरी मुकाम हमारे लिए आखिरत है। तो आखिरत की तैयारी तो हमेशा इंसान को करते रहना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, हमेशा हर एज में अल्लाह ने इबादत का हुक्म बहुत ज़्यादा दिया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया, सारा प्रोसीजर आपकी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली इसमें पानी थोड़ा हम कम इसलिए डाल रहे थे क्योंकि चावल कम से कम पौना घंटा भीग चुके थे, और कच्चे चावल अगर बहुत ज़्यादा भीग जाए तो पानी का अंदाज़ा उसमें ये रखिए कि बहुत, मतलब लेवल का पानी रखिए। अगर आपने बूंद भर भी पानी ज़्यादा कर दिया ना तो आपके चावल बैठ जाएंगे और बिल्कुल घुट के एकदम बेकार हो जाएंगे, वो खिले खिले बनकर तैयार नहीं होंगे। तो हमेशा याद रखें कि कच्चे चावल की बिरयानी बना रहे हैं आप तो उसको इतना पानी रखें कि आपका, जैसे मैंने आपको अभी उंगली के, इसमें 3 खाने होते हैं हमारी उंगली में, उसमें पहला वाला जो खाना होता है बस उतना आप इसमें रखें, आप यकीन माने बिरयानी का जो पानी होगा वो परफेक्ट बैठेगा एकदम। इसमें सारे गर्म मसाले ऐड कर दिए हैं, हरी मिर्चें ऐड कर दिए हैं, मैंने 6 से 7 तीखी हरी मिर्चें ऐड करी थी, थोड़ी तीखी सी बिरयानी बन जाए, अदरक बहुत सारी चॉप करके बारीक ऐड करी, फिर से मैंने इसमें 8 से 10 इसमें मिर्चें ऐड करी। यकीन माने इस तरीके की बिरयानी आप बनाएंगे ना, होती बहुत सादा है लेकिन इतनी अच्छी बनकर तैयार होती है। बस पानी का थोड़ा सा अंदाज़ा करिएगा, यकीन मानिए आप बहुत बहुत मज़े की बिरयानी बनेगी और आपका पेट भर जाएगा। और जिस तरीके से आप अभी आगे देखेंगे ना, आपको खुद प्रूफ हो जाएगा ये बिरयानी कैसी बनी थी। तो बस थोड़ा सा इसको चला देंगे, थोड़ा सा इसमें बॉयल आने देते हैं, अच्छे से खतबदी आ जाए, अच्छे से बॉयल आ जाए, तो उसको चलाने के बाद बंद कर देंगे और गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। देखिए पानी हमारा सूख चुका, वाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये पानी सूख चुका, अब मैंने जितनी भी चीज़ें ऐड करी थी, तो दूध के अलावा मींस कलर इसमें ऐड किया था और हरा धनिया मैंने इसमें ऐड किया था चॉप करके, वो मैंने थोड़ा नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती। मैंने डायरेक्ट खाने की, जो इस तरीके से खाना खाएंगे अभी हम लोग, हम आपको दिखाएंगे। और देखिए यहाँ पर आ चुका है पूरा का पूरा बर्तन, मैं यहाँ ले आई थी और आराम से इसको खिला लेंगे। अच्छा, बिरयानी के लिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको एज इट इज़ ऐसी रख देंगे ना और आप इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे तो आपके चावल क्या होगा, पूरा एक खट्टा हो जाएंगे और खिले खिले बनकर नहीं तैयार होंगे। तो जब आपकी बिरयानी दम होकर 5 मिनट या 10 मिनट हो जाए तो फ़ौरन आप इसको इस तरीके से हिला दें।
तो जिस तरीके से मैंने इसको हिलाया, हल्के हाथों से, बहुत ही लाइट हाथों से करना है, ये नहीं कि बहुत तेजी से अगर आप चम्मच चलाएंगे तो चावल इस टाइम सॉफ्ट है वो पूरा टूट जाएगा। तो बस इस तरीके से हम इसको बंद करके रख देंगे। अच्छे से चला लिया था, यहाँ पर आना शुरू हो गए थे सारे मेंबर, जिसमें कि ये मेरी सास हैं जो अब इस वक्त बैठेंगी, यहाँ मेरी खलिया सास बैठी हुई थी, बाकी बारी बारी सारे मेंबर्स आते रहेंगे। और फ्राइडे वाला दिन जब इबादत करके इंसान को भूख लगती है ना, तो उस टाइम ये बिरयानी बड़े मज़े की लगती है। मेरा एक्सपीरियंस तो यह है, गरम गरम बिरयानी आफ्टर नमाज मिल जाए तो कहने क्या। और माशाल्लाह से टेस्ट बहुत अच्छा आया था। यहाँ पर देखिए सब लोग आ चुके हैं, मेरे हस्बैंड, पापा, अम्मी, सभी लोग आ चुके थे। और बस फिर खाना स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का। और यहाँ देखिए सारा का सारा प्रूफ आप लोगों के सामने है। माशाल्लाह सब लोगों ने बहुत पेट भर के खाना खाया था। और हालांकि मैंने इसमें कबाब, रायता और समथिंग कोई भी ग्रेवी टाइप चीज नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट अच्छा था। ये बिरयानी यहाँ पर यूपी में खास तौर से इसको चिकन पुलाव बोला जाता है, बिरयानी ही बोली जाती है मोस्टली यहाँ पर, लेकिन काफी लोगों के यहाँ इसको पुलाव बोला जाता है। तो जो आपके यहाँ बोले उसको आप देख लें और इन्जॉय करें इस बिरयानी को। और ये रेसिपी, ये ब्लॉग छोटा सा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे एक सब्सक्रिप्शन का बटन दिया हुआ होता है रेड वाला, उसको ज़रूर दबा दें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को तक सबसे पहले पहुँचे। और थैंक यू सो मच अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।